महाप्रभु आए थे, इसलिए उन्होंने जब महाप्रभु इतना वृंदावन धाम पर एक एक पद महाप्रभु आ रहे हैं उनके हृदय में, उतना ही वृंदावन का लीला, वृंदावन का लीला क्या है, क्योंकि वृंदावन यम रस के ही वार्ता है, वृंदावन भूमि साधारण भूमि नहीं है, सदा वृंदा वर्णा वृंदावन का एक अर्थ है राधा जी का नाम है एक वृंदा है, वन मतलब कि राधा रानी ये वन है, यदि ये वृंदावन धाम नहीं पर ये क्या है, राधा रानी खुद कहती है वृंदावन धाम नहीं, फिर राधा रानी अपना हृदय को कृष्ण लीला के लिए उन्होंने उसको दिशा देने के लिए वृंदावन धाम आया, राधा रानी का एक हृदय इसलिए वृंदावन धाम, इसलिए वृंदावन धाम आनंद की बरसात हो रही, आनंद में डूब रहे थे महाप्रभु, इसलिए महाप्रभु के वृंदावन धाम में आए, जो इमिल तला है ना हम जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर ही महाप्रभु बैठ करके यमुना नदी को सामने रख करके महाप्रभु बैठ करके वहीं पर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, ये जो हरे कृष्ण ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है आप बता सकते हो ये हरे कृष्ण महामंत्र सबसे पहले किसकी मुंह से निकला, ये हरे कृष्ण महामंत्र सबसे पहले किसकी मुंह से ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलो बोलो किसको प्रभु जी कहते, ये महामंत्र सबसे पहले राधा रानी की मुंह से हैं, राधा रानी की मुंह से सबसे पहले कृष्ण विरह में ये महामंत्र राधा रानी का मुंह से है, ये महामंत्र है, इसलिए इसमें राधा कृष्ण का जुगल का मिलन विरह मिलन विरह इसके अंदर है, इसलिए महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण मिलकर महाप्रभु वो भी स्वयं ये हरे कृष्ण महामंत्र को जब करते थे, इसलिए नाम में इतने रस है, नाम में इतने रस है स्वयं भगवान ही और राधा रानी स्वयं ये महामंत्र करते थे, इसलिए महाप्रभु जी वृंदावन धाम में आए और उनने वृंदावन धाम में भ्रमण किया, भ्रमण करते ही वृंदावन तो उनका ही धाम, जहाँ पर आए ना उनको वहीं पर ही उनकी लीला की बुद्धि बना, यहीं पर मैंने रास किया, वहीं पर मैंने बंसरी बजाई, यहीं पर बटर नीचे बंसी बजाया था, यहीं पर हमने मक्खन चोरी की थी, इसलिए जहाँ जहाँ उन्होंने वृंदावन धाम में आए उनको वही वही उनकी लीलाओं की वही वही लीला की उनकी उद्दीपना हुई, वही लीला की उद्दीपना हुई तो महाप्रभु ने देखा अगर वृंदावन में ज्यादा समय रहेंगे ना फिर गड़बड़ी हो जाएगी, क्यों, मैं जो कृष्ण हूँ महाप्रभु का लीला के लिए महाप्रभु का लीला प्रचंड लीला है, कृष्ण इसी समय में छुप करके आए राधा जी की भाव अंग का लेकर के, बोले मेरी जो प्रचंड लीला है ना तभी तो प्रकाशित होगी, सब लोगों को पता चल जाएगा वही कृष्ण ही ये महाप्रभु बन करके आए, इसलिए महाप्रभु अपने आप को समय में छुपाने के लिए कोशिश किया है, जैसे उन्होंने सड़बू के रूप में दर्शन किया, किसको दर्शन किया था, अरे बोलो सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया, लेकिन महाप्रभु ने मना कर दिया, खबरदार किसको बोलोगे ना चक्र लेकर काट डालूंगा, फिर उन्होंने अष्टभुज रूप में दर्शन दिया, किसको दिया था, अष्टभुज में बोलो अष्टभुज रूप में किसको दर्शन दिया था, खबरदार किसको बताना नहीं, किसको बताना नहीं मैं कृष्ण हूँ नहीं तो चक्र से काट डालूंगा, इसलिए उन्होंने देखा अगर ज्यादा यहाँ पर रुके तो पर लीला तो प्रकाश हो जाएगा, इसलिए महाप्रभु आए जल्दी जल्दी वृंदावन महाप्रभु महाप्रभु जी वृंदावन दर्शन करते करते यहाँ पर महाप्रभु बैठे थे, इसलिए स्थान का नाम क्या है महाप्रभु बट है, ये जो बटवृक्ष है इसी बटवृक्ष को नीचे महाप्रभु यहीं पर बैठ करके कहने ये हरे कृष्ण
कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। इसलिए यहीं पर वहां पर हरिनाम करते थे और हम जब परिक्रमा करते करते आए ना, वहां पर थोड़ी देर पहले एक स्थान गया जिसका नाम था पानी घाट है। क्या नाम था? यहाँ पर पानी गांव है। पानी घाट पानी नाम क्यों पड़ा? ब्रज गोपियां पानी भरने के लिए यमुना में इधर जाते थे और यहीं से ही उस तरफ में दुर्गा शादी का मंदिर है। एक समय ब्रज की गोपियां लड्डू कचोरी मालपुआ बनाए और बना करके कृष्ण को बोले, कृष्णा हम हमारी गुरु जी दुर्गा शादी को दर्शन करना चाहते हैं, बताओ ये यमुना नदी कैसे पार हुई। बोले एक काम बोल देना, एक बात, अगर कृष्णा ब्रह्मचारी हो अगर ये यमुना हमें मार्ग दे। सचमुच से जब बोले ब्रह्मचारी अगर कृष्णा हो हम मार्ग दे देना, यमुना दो भाग में विभाजित हो। अब ब्रज गोपियां चलते चलते चले गए, दुर्गा लोग खूब रसगुल्ला और मालपुआ लेडी चमचम को खिलाए। बोले अभी यमुना कैसे पार करेंगे? बोले यमुना को बोलना अगर दुर्गा शादी ने कुछ खाए नहीं हमें रास्ता दे दो। बोले भैया गुरु जैसे चले कृष्ण कहते ब्रह्मचारी और हमारी बगल एक सेकंड तीन बार हमारे साथ में रास करते हैं कुंजे में लीला करती ब्रह्मचारी और देखते देखते सब कुछ खा लिए तक मैंने बोले ये गुरु जैसे चले भी नहीं थे। वास्तव रूप में कृष्ण को ब्रह्मचारी क्यों बताए कारण क्या है? लेकिन कृष्णा सब कुछ करते हुए भी भगवान किसी धर्म में लिप्त नहीं है। इसलिए कृष्ण जो बंसरी बजाए ब्रज गोपियां जो भागते भागते आई, कृष्ण ने कहा अच्छी बात आए हो वृंदावन का दर्शन करो सुबह वापस चले। मतलब कहाँ पूर्णिमा का रात सारे कहाँ दुर्भिग वस्तु सारे फूल खिले हुए सारे कृष्णा यंग वैश गोपियां यंग वैश लेकिन कृष्ण के अंदर में कितने त्याग है। बोले आए हो अच्छी बात है दर्शन कर और चले जाओ। मतलब कृष्ण सब कुछ करते हुए भी किसके अंदर में मतलब दुर्गा था सब कुछ खा ली लेकिन कहते भोजन नहीं किया। कहते हम लोग कोई भोजन नहीं करते हैं, हम बोलते ना प्रसाद सेवा। क्या बोलते हैं? हम नहीं कहते खाना खाए, हम क्या प्रसाद सेवा। सेवा मतलब है प्रसाद ब्रह्म भगवत स्वरूप है इसलिए प्रसादों को हम सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं ठाकुर का प्रसाद को। इसलिए भक्त लोग भी सब कुछ करते हुए भी ये कुछ नहीं करते हैं इसीलिए लीला नहीं। और अभी जहाँ पर बैठे हैं ना ये स्थान का नाम है पावन घाट और यहीं पर ही ब्रज गोपियां यहीं पर क्या करती है ब्रज गोपियां यहीं पर ब्रज गोपियां पानी यमुना में पार करके जाती थी। यहीं पर गोपियां कहती थी अरे कोई है नाव वाले जो हम यहाँ से पार कर देगा। कृष्ण टूटे फूटे नाव लेकर आ करके बोले बैठ जाओ जब बीच दरिया में लेंगे ना। बोले भैया मेरा नाव तो एकदम नहीं घूम सकता है और तुम तो इतने गोपियां नाव डूब जाएगी और तुम इतने दूर दही लाए हो ना उसके भोजन से नाव डूबने वाला जा रही। कृष्ण जोर से चिल्लाए बोले जल्दी फेंको नहीं तो नाव डूबने वाले सब फेंक जाए। बोले तुम लोग 10-10 किलो का भोजन का सब पहने हो क्या अलंकार पहने हो इसका भी बहुत जाग उसको। बोले उसको भी फेंक दो हैं पहले जो गोपियां पहनते जो लहंगा अभी हम कहीं पर गए थे मैंने कहा तुम शादी के लहंगा पहने के कहा जसला बन करके। बोले बाबा 35 किलो है। बोले 35 किलो है मैंने इतना लहंगा भांगला। कृष्ण बोले भैया तुम्हारा लहंगा भी तो इतना वजन है ये लहंगा वजन लगता है इसकी नाव डूबने वाले हैं। इतने में कृष्ण जोर जोर से नाव को जो लीला है ना इतने में राधा रानी डर गई और राधा रानी कृष्ण को आलिंगन किया। जब आलिंगन किया बस कृष्ण प्रसन्न हो गए गोपियाँ खुश हो गई क्यों चाहते राधा कृष्ण का मिलन हो। बस कितनी जो लीला है ना ये यहीं पर लीला हुई है और यहाँ पर अभी हम जब ध्यान देंगे इधर घूमेंगे इधर रास्ता है किधर रास्ता ये जो बॉर्डर है ना ये मथुरा की और ये वृंदावन की बॉर्डर है। जब यहीं पर जब यहीं पर आए इतने में सोचा मैं जिसको भेजता हूँ भक्त जाते कोई वापस नहीं आते हैं कोई वापस नहीं आया। मतलब एक बार चांस करके जाता मैं बात मैंने सोचा 4-5 साल के बच्चे गलत हुआ जो वृंदावन धाम है ना ये तीर्थ धाम है बगैर लोग माया के आदेश के बगैर कोई प्रवेश नहीं कर सकते। जब कंस घुसने के लिए कोशिश किया ना योग माया गला में पकड़े और पकड़ करके कुआं में डुबा दिया
और कंस बन गया, 100 साल का डोकरी बन गई है, या कंडा भी, वो कंडा भी चला गया, कंस से कम ये क्या हो गया, इतना बलवान था, इतना बड़ा प्रतापी है, जो कि परशुराम का धनुष उठाने वाले, मेरे ऐसे कैसे हो गया। इतने में योग माया ने देखा, भैया अगर ये यहाँ रह जाएंगे ना, कृष्ण विजय नहीं होगा, क्योंकि मैंने अगास बकास सबको भेज दिया, तब से कितने का हुई ना। इसलिए कि हरी जिनको देख रहे हो दूसरे तरफ से भगवान के लीला को पुष्टि करने वाले, बोले और इधर आओगे, बोले नहीं, बोले काम करो, काम करो, उठ गए एक से एक बार उठ गए, बोले यहाँ से जाओ, कभी घूम करके फिरना नहीं, फिर डुबाया तो कंस फिर अपने स्वरूप में आया। इसीलिए कंस कभी भी घर शांत करके भी नहीं देखा, बोले और कभी जाएगा ना घर में डोकरी बना देंगे, फिर तो कंडा बिंदर जाओ। इसलिए स्थान, यही स्थान ये कंडा बिंदने का स्थान है, और ये जो स्थान है यहाँ पर तो बद्री बहन बद्री बद्री भी थे, बद्री बद्री गुरुदेव कहते थे, यहीं पर ही व्यास देव जी ने भागवत ग्रंथ भी रचना करा। यहाँ पर स्थान है, यहीं पर श्री पराशर ऋषि जब आ रहे थे सत्यवती को यहीं पर दर्शन किया, तो यहीं पर श्री व्यास देव भी, यहीं पर व्यास देव भी प्रकट हुए। इसलिए व्यास देव यहीं बैठ कर की यदि श्रीमद् भागवत ग्रंथों की रचना की, गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि जो कहते ना बद्रीनाथ है भागवत लिखे, हाँ वहाँ पर भी है, गुरुदेव कहते रसभूमि है भागवत, विशेष कर दसम स्कंध है वो रसभूमि है, रस कथा कहाँ पर लिख सकते हैं, रस स्थान में ही रस कथा लिखी जा सकती है, वृंदावन धाम रस स्थान है, इसलिए कहते व्यास देव यहाँ पर भी भागवत ग्रंथ रचना की। और यहाँ पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, और भक्ति प्रमोद पूरी गोस्वामी महाराज हमारे जो सिद्धांत जी महाराज का जो गुरुदेव है उनका ठाकुर जी है, कि मंदिर यहाँ पर उनको विग्रह है, उनका भक्त लोग अभी भी यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। इसलिए इसी दृष्टिकोण से ये स्थान अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थान है, हम परिक्रमा करते करते आए, और ये ब्रजभूमि है, ये ब्रजभूमि चिंतामणि, चिंतामणि जो चिंता कर वही ब्रजभूमि प्रदान करते हैं। आज अक्षय तीज, क्या है आज है अक्षय तीज, मतलब क्या है आज का दिन तृतीया, तृतीया है ना, तृतीया मतलब होता है कोई भी शुभ काम तृतीया में करो तो जरूर सक्सेसफुल होते हैं। फिर आज का दिन भगवान ने रमजान को सत्यजीव का जो प्रारंभ है, आज से ही सत्यजीव की प्रारंभ होगी, आज से ही भगवान ने जितने पौधा जितने तुम देख रहे हो ना, आज ही भगवान ने इसको ठाकुर जी ने आज ही सबके सब सृष्टि किया है। इसलिए आज का दिन जो भी आप काम करोगे उसका फल आपको अक्षय फल प्राप्त होगा, ये फल कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञा ने केशव गोस्वामी महाराज आज का दिन ही ये गौड़ीय वेदांत समिति को हमने स्थापन किया था, क्योंकि जगत में ये भक्ति जगत में प्रचार हो, ये धारा कभी छूटे नहीं, इसलिए उन्होंने आज का दिन इसको स्थापन किया था। हम दोपहर में जब मंदिर में होता ना, दोपहर में प्रसाद पानी के लोग सब के सब आ जाना, ठीक है, वहीं पर बैठ करके फिर आज की कथा को आज वहीं पर प्रसाद पाने से पहले वहीं सब कुछ बताते हैं। और आज शाम को है ना ठाकुर जी का फूल बंगला है, और हम सोच रहे हैं ठाकुर जी का ना जैसे अन्न को तो महत्व होता है ना, आज का दिन जो ठाकुर को अब देखे ना, आज हर मंदिर मंदिर में कलश में पानी भर कर देते हैं, पंखा देते हैं, सत्तू देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि भगवान ने ही दुनिया को बनाया। इसलिए उपनिषद कहते हैं जगत में जो देख रहे भगवान ने दिया हुआ है, इसलिए आज का दिन सब देते हैं, क्योंकि सत्तू कितने दिया है, अगर अगर गेहूँ नहीं बनाते हम कहाँ से खाते, इसलिए जब पानी नहीं बनाते कहाँ से पीते, पंखा देते हैं, हर मंदिर मंदिर देते हैं। इसलिए आज हो सके अब लोग कुछ ना कुछ मार्केट में खर्च करके लाना, शाम को जैसे फूल बंगला होगी ना शाम को, उसी समय में ठाकुर जी को छापा में भोग लगाएंगे, कोई मीठा कोई नमकीन कोई फल थोड़ा 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 लेकर के आएगा। आज जो दोगे ठाकुर का, ठाकुर जिंदगी भर तुमको देते ही रहेंगे, ठीक है, मंदिर में छापा में भोग करेंगे। और आज 10 बजे हम बैठेंगे फिर मंदिर में, फिर आज का कथा हम फिर 10 बजे सुनेंगे, ठीक है। अक्षय तृतीया की महाप्रभु जय जय गौर जय महाराज जय 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 जय